सिंपल है, पैसा और क्या। क्या हाल है ब्रो? मेरे पास जब भी थोड़ा टाइम और थोड़े पैसे होते हैं, मैं आराम से घर से निकलकर कहीं से भी हैप्पीनेस खरीद सकता हूँ। हर कोई बेच जो रहा है। कोई डायरेक्टली बेच रहा है और कोई आपको एक बेहतर, रिचर, ज्यादा सोशल लाइफ से भरे फ्यूचर के ख्वाब दिखा के बेच रहा है। और क्यों ना बेचें? दुनिया का सबसे इन डिमांड आइटम है हैप्पीनेस। दुनिया का, लिटरली दुनिया में हर बंदे को ये चाहिए। तो बिजनेस का असूल है मैडम, जिसकी डिमांड है उसकी सप्लाई बढ़ाओ। और ऐसी बात नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये वाकई हैप्पीनेस बेच रहे हैं। याद करें जब आपने लास्ट टाइम मैकडॉनल्ड्स के गर्मा गर्म बर्गर की बाइट ली थी या फिर एक ठंडी कोक की सिप ली थी। मतलब ऐसा लगता है कि दिल का पेट भर गया है, इतनी नेक्स्ट लेवल खुशी होती है कि ना पूछो। लेकिन फिर वो बर्गर या कोक खत्म हो जाती है। अब क्या करें? अब तो जो वो हैप्पीनेस खरीदी थी वो खत्म हो गई है। अब तो जिंदगी में दोबारा अंधेरा ही अंधेरा है। मतलब भाई, ये लोग सही तरह बता नहीं रहे कि एग्जैक्टली कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ये लोग टेम्पररी हैप्पीनेस बेच रहे हैं, हमें परमानेंट चाहिए भाई। लेकिन किस तरह आएगी वो? ट्रैवलिंग? नहीं नहीं, ट्रिप मारेंगे, खत्म हो जाएगी, फिर से इस लाइफ में आना है और सैड होना है और दोबारा अंधेरा छा जाना है। गाने? अबे 7.5 मिनट में कौन सी हैप्पीनेस ढूंढेगा तू? आपका काम कुछ भी, मतलब। लेकिन वो परमानेंट तो तब भी ना हुआ ना, क्योंकि इवन इफ यू लव व्हाट यू डू, आपका काम एक दिन ऊपर है और एक दिन नीचे है। और जितना ऊपर है उतना जिंदगी में ज्यादा स्ट्रेस भी है, और वैसे भी आपका काम एक दिन है और अगले दिन नहीं, किसी को क्या पता। तो वो ऐसी कौन सी चीज है जिस पे अगर आप अपनी हैप्पीनेस डिपेंड करेंगे तो वो आपको परमानेंट हैप्पीनेस देगी? डिपेंड करता है। वो ऐसी कौन सी चीज है जो खुद परमानेंट है और कभी खत्म नहीं होगी, एटलीस्ट आपकी लाइफ टाइम में? कोई भी नहीं है, जीरो। देखो, चीजें तो वैसे ही परमानेंट नहीं है, इंसानों पे कर लो डिपेंड, लेकिन वो भी आज हैं कल नहीं है। एक्सपीरियंसेस यार बहुत छोटे टाइम के लिए होते हैं। इनमें से अगर आप किसी पे भी अपनी हैप्पीनेस डिपेंड करोगे तो ये आज हैं और कल नहीं है, और इसकी वजह से आपकी हैप्पीनेस भी आज है और कल नहीं है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है सिवाय एक के। बस आप खुद, आपकी अपनी लाइफ टाइम में आप खुद परमानेंट हो। मतलब जब तक आप जिंदा हो तब तक आप जिंदा हो, मतलब ऑब्वियसली। तो अगर आप अपने आप से हैप्पीनेस एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दें तो ये नेक्स्ट लेवल सीन ना हो जाए? मतलब क्लियरली। ये आई गेस वही बात है जो हम बचपन से सुनते आए हैं, जो तुम्हारे पास है उस पे खुश रहना सीखो। खुशी के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और लिटरली जैसा मैंने आपको भी समझाया है, इसके अलावा परमानेंट हैप्पीनेस का कोई रास्ता नहीं है। अगर वाकई परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए तो अपने अंदर से ही किसी चीज से खुशी हासिल करने की आदत डालनी पड़ेगी। अब ये करना किस तरह है, इसमें आपका भाई जो है इतना माहिर नहीं है, तो कोई अच्छी वीडियो देखे तो मुझे भी दिखाना, मैं भी देखूंगा, पता करते हैं। नेक्स्ट लेवल।